यू ऑल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ डे इन माई लाइफ। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि आप दिन भर क्या करते हो, आपका शेड्यूल कैसा है, अनाया का शेड्यूल कैसा है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में से मिल जाएगा, क्योंकि हम डेली एक्टिविटीज जो भी करते हैं इस वीडियो में मैं सारा शो करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, इनफैक्ट मॉर्निंग नहीं बोल सकते, हम लोग लेट उठते हैं। आप सभी को पता है न्यू मॉम्स की हालत। वैसे मुझे अनाया परेशान नहीं करती है, रात में वो सो जाती है, फिर भी फीडिंग के लिए तो उठना ही पड़ता है, ये सभी को पता है। तो हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, अराउंड 9 to 9:30, तब तक रोशन जिम से आ जाता है। तो सबसे पहला काम होता है उठने के बाद उसे फीड करना, क्योंकि उसके पहले का फीड उसका अराउंड 6 o'clock को होता है। तो फिर 3 घंटे का ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे का गैप हो जाता है। तो सबसे पहले मैं उसे फीड करती हूँ, फिर उसे रख देती हूँ, बेड अपना अच्छे से फिर से संवार लेती हूँ, ब्लैंकेट को घड़ी करना। तो 9:30 to 11:30 अनाया खेलती है, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश रहती है। और आपने देखा होगा अनाया बिल्कुल हैप्पी फेस से उठते टाइम हंसते हुए ही उठती है हमेशा, क्योंकि जब अनाया पेट में थी तब पापा रोज उसे बताया करते थे, बेटा वेक अप विद स्माइली फेस ऑलवेज, एंड वो शायद उसे फॉलो करती है, वो हमेशा हंसते हुए उठती है। अब ये सब हो गया, उसके बाद मैं करती हूँ मेरा रोबो स्टार्ट, जो घर हमारा क्लीन कर देता है मॉर्निंग में। और अब हम जाएंगे बेडरूम से बाहर, तो अनाया को हम साथ में लेके जाते हैं जहाँ पे भी रहे। जैसे किचन में रहेंगे तो हम किचन के पास उसे रखते हैं, हॉल में हॉल के पास उसे रखते हैं, और बीच बीच में उसके साथ खेलते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम इधर काम कर रहे हैं और वो बेडरूम में पड़ी है, ऐसा कभी नहीं होता। तो इस तरीके से मैं उसे रॉकर में डाल देती हूँ और साथ साथ में मेरे सारे काम भी करती हूँ। तो सबसे पहला काम ब्रश करना। तो ब्रश करते हुए और सारी एक्टिविटीज़ करते हुए मैं इस तरीके से अनाया के साथ खेलती रहती हूँ, ताकि उसे अकेला ना लगे। हम दोनों ही घर पर रहते हैं तो उसके साथ कंटिन्यू बातें करते रहते हैं जब वो सो नहीं रही है। तो फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ जो डेली मैं यूज़ करती हूँ घर में रहते हुए भी। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि घर में तो है सनस्क्रीन, लगाने की क्या ज़रूरत है, घर में कैसे स्किन टैन होगी, बट घर में भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इस वीडियो में मैं जो भी शेयर कर रही हूँ उतना ही रूटीन में फॉलो करती हूँ, अलग से कोई स्किन केयर का रूटीन मैं फॉलो नहीं करती, तो आप भी इसे ईजिली फॉलो कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहला काम होता है चाय पीने से पहले कि गर्म पानी पिए, गर्म मतलब गुनगुना पानी। तो रोशन हम दोनों के लिए यहाँ पे गुनगुना पानी रेडी कर लेता है और हम दोनों भी यहाँ पे पानी पी लेते हैं, उसके बाद चाय वगैरह सारी चीज़ें होती रहेंगी। बट हम रेगुलरली चाय नहीं पीते, मॉर्निंग का चाय जितना हो सके उतना स्किप करते हैं। मुझे वैसे पर्सनली चाय नहीं पसंद है, बट रोशन को पसंद है इसलिए हम चाय पीते हैं, चाय नहीं पीनी चाहिए वैसे। तो ये मेरा उसके बाद का रूटीन होता है कि पहले मैं दूध गर्म करती हूँ, फिर चाय साथ में रख देती हूँ, चाय यहाँ पे पकती रहती है, उतने टाइम में हम ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए कुछ स्पेशल मैं नहीं बनाती क्योंकि हम खाना जल्दी खाते हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स प्रीफर करती हूँ, कभी कभी नारियल पानी भी पी लेते हैं, डिपेंड करता है। जब भी हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं साथ में नारियल पानी ज़रूर आता है, तो आप बोल सकते हो कि 2-3 दिन में एक बार हम नारियल पानी पीते ज़रूर है। तो मॉर्निंग में चाय का अल्टरनेटिव होता है नारियल पानी, तो जब भी नारियल पानी है तब चाय नहीं बनती है। तो यहाँ पे मेरे फ्रूट्स कट करके रेडी हो रहे हैं। तो आप बोलोगे फ्रूट्स कौन से, तो मैं सारे फ्रूट्स खाती हूँ डिलीवरी के बाद से ही मैं सारे फ्रूट्स खाती हूँ, ऐसा कुछ मैंने फॉलो नहीं किया कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बहुत लोग बोलते हैं खट्टा वगैरह ये भी खाते हो क्या, यस मैं सारे फ्रूट्स खाती हूँ। इनफैक्ट अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये कटिंग कर रहे हो तब तक अनाया क्या कर रही है, किसके साथ खेल रही है। एक्चुअली पापा जो है वो 9 o'clock से या 9:30 से थोड़ा बिजी हो जाते हैं उनके काम में, तो मैं ही अनाया को हैंडल करती हूँ, बीच बीच में वो मुझे हेल्प ज़रूर करते हैं। अब मेरी फ्रूट प्लेट रेडी नहीं हुई है, बट दूध में उबाल आ गई है और चाय भी बन गई है, तो पहले चाय पी लेंगे उसके बाद बाकी का ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे। तो इस तरीके से मैं अनाया के साथ ही मेरा चाय भी इंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत सारे DMs भी आए, कमेंट्स भी आए कि अनाया इतनी इंटरेक्टिव कैसे हुई। तो मैं ऑलमोस्ट 24 hours उसके साथ बातें करते रहती हूँ, इनफैक्ट जब वो सोती नहीं है। और जब भी मुझे लगे कि अब मैं उसके साथ खेलते खेलते टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए या फिर कुछ और काम करना है, तब मैं रोशन को बोलती हूँ कि इसे थोड़ी देर देखे और थोड़ा एंटरटेन करे। उसे हम अकेला नहीं छोड़ देते, आपने देखा होगा उसके साथ हम बातें करते रहते हैं, उससे बच्चे इंटरेक्टिव होते हैं। आपने भी आपके बच्चों के साथ बातें करने चाहिए, भले ही उन्हें कुछ समझता नहीं हो, वो धीरे धीरे आपके साथ इंटरेक्ट करने लगेंगी ज़रूर, आप देखिएगा। चाय पी के हो गई, उसके बाद फिर से मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है। 1-1.5 बजे से पहले हमें सारे काम निपटा के बैठना होता है रेडी होके, क्योंकि रोशन का ऑफिस भी स्टार्ट हो जाता है और मुझे भी मेरा काम रहता है, और दिन भर अनाया तो सोई रहती है, तो मैं आराम से मेरा काम कर पाती हूँ। देखिए आगे कैसा होता है शेड्यूल।
तो फाइनली इस तरीके से चलते फिरते मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। देख सकते हो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको दिख रहा होगा। आपने भी इसी तरीके से फ्रूट्स बहुत सारे लेने चाहिए, अलग अलग फ्रूट्स खाने चाहिए, वो आपको ब्रेस्ट मिल्क के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपका डाइट कैसा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं दिखाऊंगी, पर पर्टिकुलरली नहीं बता रही हूँ कि क्या क्या लेना चाहिए, बट हाँ थोड़ा थोड़ा हाईलाइट तो ज़रूर हो रहा है। वैसे मेरा डाइट क्या है उस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब अनाया बोर हो चुकी है, उसका डन हो चुका है, वो बोल रही कि अभी मुझे लेना ही पड़ेगा, आपका बहुत हो गया। तो इस टाइम में हम उसे हाथ में ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं खिलाती हूँ, थोड़ा सा रोशन खिलाता है, और ऐसा करते करते हम चलते फिरते ही हमारा ब्रेकफास्ट करते हैं। अब बैठ के तो पॉसिबल नहीं होता है दोनों को भी करना, क्योंकि अनाया को भी खिलाना है साथ में। तो इस तरीके से ये हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। एंड अभी का टाइम पूछोगे तो अभी 11 to 11:30 के बीच का टाइम होता है, रोज़ यही फॉलो हम करते हैं। एंड फाइनली किचन का काम खत्म हो चुका है, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, अब हम लोग जाएंगे बेडरूम में। अब 11:30 हो चुके हैं, अनाया की फीडिंग का टाइम हो चुका है, क्योंकि इसके पहले का फीड हमने 9:30 को किया था। अब आप बोलोगे कि आप 2-2 आवर्स फॉलो करते हो, जब वो जगी होती है तब मैं 2-2 आवर्स फॉलो करती हूँ। अब वो 3 मंथ्स की हो गई है, तो वैसे 3 आवर्स 3.5 आवर्स भी चल जाते हैं वैसे, बट मैं फॉलो करती हूँ जब वो जगी है, बट वो सो रही होती तो मैं उसे उठा के 2-2 आवर्स के बाद फीड नहीं करती हूँ। फीडिंग के बाद 15 मिनट्स में ब्रेक लेती हूँ, उतने टाइम में मेरा रील पोस्टिंग वगैरह ये सब काम कर लेती हूँ। फीडिंग के बाद तुरंत बच्चों को मेडिसिंस नहीं देनी चाहिए, इसलिए मैं उतना ब्रेक ज़रूर लेती हूँ। और उसके बाद अनाया के जो भी रेगुलर मॉर्निंग के मेडिसिंस है, कैल्शियम एंड विटामिन डी वाला, वो उसे दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अनाया कितनी गुड गर्ल है, मेडिसिंस भी इतने अच्छे से ले रही है, रोती नहीं है, हंस रही है इनफैक्ट, बट ये वाली मेडिसिन टेस्टी है, इसलिए शाम की जो आयरन की मेडिसिन है उसके लिए वो बहुत परेशान करती है, वो उसे टेस्टी नहीं लगती है। उसके बाद फिर से मैं 10 मिनट वेट करती हूँ। एकदम से मेडिसिन देने के बाद भी मालिश या फिर नहाना नहीं करना चाहिए, इसलिए 10 मिनट उसे खेलने देती हूँ, और उसके बाद फिर मालिश की तैयारी करती हूँ। जब मालिश मैं स्टार्ट करती हूँ, उतने टाइम में आंटी आ जाते हैं खाना बनाने के लिए, तो साइमल्टेनियसली खाना भी बन जाता है, अनाया का मालिश नहाना वगैरह होके वो रेडी होके सो जाती है, और उसके बाद फिर हम लोग लंच करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से शेड्यूल है। आज वीकेंड है इसलिए घर पे बन रही है अंडा करी एंड ज्वार की भाकरी। रोज़ का खाना अलग अलग होता है, जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी सब्जियाँ अलग अलग प्रकार की रोज होती है। हम लोग प्रेफर करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे खाने में, साथ ही में फाइबर्स हो, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर खाने चाहिए, उसी के साथ प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, ये हमारी रिकवरी के लिए भी हमें बहुत हेल्प करेगा। तो उस तरीके का डाइट हम लेते हैं। वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि डाइट का मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो होंगी तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जब तक हमारा खाना रेडी हो रहा है, तब तक मैं अनाया की वहाँ पे मालिश कर लेती हूँ। तो मालिश मैं उसके 20 टू 25 मिनट्स करती हूँ, कभी कभी 30 मिनट्स भी हो जाते हैं। और आप देख सकते हो अनाया मालिश के टाइम पे बिल्कुल भी रोती नहीं है। आप बोल सकते हो अनाया सच में गुड गर्ल है, मुझे कुछ भी परेशान नहीं करती है, सारी जो एक्टिविटीज़ उसके साथ मुझे करनी है वो बहुत ही हंसते हुए करती है, तो कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। उसकी मालिश मैं ही करती हूँ। 2 मंथ्स तक मैंने उसके लिए मालिश के लिए आंटी लगाए थे, बट उसके बाद से मैं ही कर रही हूँ। तो ये मालिश हो जाए उसके बाद हम उसे नहलाने लेके जाते हैं। लाइक ये सब कुछ मैं अकेली करती हूँ, बट मुझे थोड़ी थोड़ी रोशन की हेल्प इसमें ज़रूर लगती है, क्योंकि अब मैं उसे लेके नहीं उठ पाती हूँ, तो रोशन हाथ में लेके मुझे देगा उठाएगा, ये सब काम रोशन करता है, साथ में मुझे थोड़ी हेल्प करता है। फिर नहलाने के लिए भी वो मुझे हाथ में देगा, फिर मैं उसे नहला के दूंगी, उसके बाद वो उसे लेता है। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा मिलके सब काम कर लेते हैं। तो अनाया का एक बार नहाना हो जाए, उसके बाद होती है पापा की ड्यूटी, पापा उसे रेडी करके देते हैं। रोज़ रोशन ही अनाया को रेडी करता है। हम लोग एक बात का ध्यान रखते हैं, जब अनाया नहा के रूम में आती है, रोशन उससे अच्छे तरीके से टॉवल से ड्राई कर देता है, तब तक हम फैन को बंद रखते हैं जब तक उसके बाल पूरी तरीके से सूख नहीं जाते। बच्चों को बहुत ही जल्दी सर्दी खांसी होती है, तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, तो ये बात हम फॉलो करते हैं। एक्चुअली ठंडी लगती है उन्हें बहुत ज़्यादा, इसलिए जब तक वो ड्राई नहीं हो जाते तब तक आपको फ़ैन बंद रखना है। तो टचवुड अब तक अनाया को 3 मंथ्स में एक बार भी सर्दी खांसी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर आप भी ऐसा फॉलो करते हो तो ज़रूर फॉलो करिएगा, उससे सर्दी खांसी नहीं होगी। अनाया यहाँ पे रेडी हो चुकी है, जब तक अनाया रेडी हो रही है तब तक मैं उसके लिए सारी चीज़ें निकालती हूँ, जैसे कि उसे कौन से कपड़े पहनना है ये वो, और रोशन उसे रेडी करके देखता है। अब अनाया ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है,
इस टाइम वो थोड़ी सी क्रैंकी हो जाती है क्योंकि अभी उसे नींद आ रही है। 9:30 को वो उठी थी और अब 12:30 हो रहे हैं, मतलब 3 आवर्स ऑलमोस्ट। तो नहाने के बाद जब वो रेडी हो जाती है तो उसे हम रोज स्वैडल करके देते हैं। स्वैडलिंग के बाद उसका फीडिंग टाइम होता है, मतलब ये दिन का 3rd वाला हमारा फीडिंग हो जाएगा और उसके बाद वो सोती है। तो यहाँ पे उसका लंबा टाइम होता है सोने का, 4-4.5 घंटे वो लगातार सोती है। कभी कभी बीच में उठती है तो फीड करके फिर से सो जाती है, मतलब जो दोपहर की नींद है वो उसकी 4-5 घंटे की फिक्स होती है। स्वैडलिंग के बारे में मुझे बहुत सारे DMs थे, बहुत सारी कमेंट्स थी कि स्वैडल क्यों करते हो। एक्चुअली बच्चों को स्वैडल करने से वो बहुत ही आराम से पीसफुली सो पाते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा बच्चों को वो नींद में डरते हैं और फिर उनकी नींद खुल जाती है। तो स्वैडलिंग करने से आपको हेल्प होगी कि बच्चा लॉन्ग टाइम के लिए आराम से पीसफुली सो पाएगा। तो मैं दिन में स्वैडल करती हूँ, वो भी पूछा था कि कब करते हो, रात में भी करते हो क्या? नहीं, सिर्फ दिन में इस टाइम पे मैं स्वैडल करती हूँ, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि बच्चे को दिन भर रात भर हमने बांध के ही रखा है। अब अनायास होने के बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं अपने काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं शॉवर लेती हूँ, शॉवर लेने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ। तो रेडी होने में मैं क्या करती हूँ, सनस्क्रीन, दैट्स इट, सनस्क्रीन लगाऊंगी और बाल सुखाऊंगी। जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ, मैं आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट डे हेयर वॉश करती हूँ, तो हेयर वॉश के बाद मैं बाल पहले सुखाती हूँ, क्योंकि अगर अनाया को फीड करने की ज़रूरत पड़ी तो बाल सूखे होने चाहिए, गीले बालों से उन्हें सर्दी हो जाती है, ऐसा बड़े लोग कहते हैं, और उसे मैं फॉलो करती हूँ। एंड दैट्स इट, मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, बॉडी लोशन लगाती हूँ एंड बाल को सुखाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ। आई मस्ट से कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा करने वालों में से नहीं हूँ, बट हाँ मैं भगवान को मानती ज़रूर हूँ। तो मैं शॉर्टकट में जैसी भी मेरी पॉसिबल है वैसे मैं पूजा करती हूँ। अब सारे काम हो गए और करीब करीब 1 बज चुका है, तो अब हम करते हैं हमारा लंच। ये हमारा लंच का रेगुलर टाइम है 1 से 1.5 बजे के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सलाद कट कर लेती हूँ, खाना तो रेडी है। तो सलाद रोज़ बनता है, खाने में रोज़ सलाद होता ही है, रोज़ की थाली अलग अलग होती है खाने की, और सलाद में कभी कभी स्प्राउट्स होते हैं, कभी ये ककड़ी, गाजर, बीट, ये जैसा सब कुछ होता है, जो भी हेल्दी है वो सब कुछ खाने की हम कोशिश करते हैं। मेरी डाइट का वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। अब हमारा लंच हो चुका, रोशन का ऑफिस स्टार्ट हो जाता है और मैं अपना काम करती हूँ। तो दिन भर अनाया सोई रहती है और इस तरीके से मैं मेरा काम कंप्लीट करती हूँ। शूटिंग रहे तो शूटिंग का काम भी हम दिन में या फिर शाम को अनाया जब सोती है तब हम करते हैं। अब 4 बज गए हैं और स्नैक्स का टाइम हो गया, तो स्नैक्स में हम लेते हैं कभी कभी बटर मिल्क, दही या फिर जूस, इस तरीके का हेल्दी हम कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि मूँगफली, मखाना, ये सब हम 4 बजे के स्नैक्स में लेते हैं। और तब तक अनाया सोई ही रहती है, हमने खाने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि हमने लंच किया उसके बाद डायरेक्ट डिनर, ऐसा नहीं करना है, बीच में कुछ तो भी खाना है, उससे एसिडिटी नहीं होती है। देखिए अनाया उठ गई है, अभी 4:30 बज रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 12:30 to 1 o'clock को सोई थी, मतलब वो 3-4-5 घंटे आराम से सो लेती है, डिपेंड करता है कभी जल्दी कभी लेट। तो मैं उसे बीच में फीड के लिए नहीं उठाती हूँ, जब वो उठेगी तभी, क्योंकि अभी अनाया 3 मंथ्स की हो गई है तो 4 आवर्स तक उसे फीड नहीं किया तब भी चल जाता है। बट मैं ट्राई करती हूँ कि उसे 3 और 3.5 आवर्स में मैं फीड कर दूँ, अनलेस वो सोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं उसे जेल में से बाहर निकालती हूँ, मतलब उसका ये जो स्वैडल है वो खोल देती हूँ, उसे थोड़ा फ्री लगता है, फिर उसके बाद मैं उसे फीड करती हूँ। तो ये हमारा दिन का 4th फीड है। उसके बाद चंदन लगाना, ये मेरा रोज का रूटीन नहीं है, बट हफ्ते में 1 दिन जब भी हमें टाइम मिलता है तब हम चंदन लगा लेते हैं। तो आज वीकेंड था इसलिए मैंने आज चंदन भी लगा लिया, ये मेहनत वाला चंदन है, असली वाला। और हल्दी जो है वो हमारे घर की, हमारे खेत की है, तो हम लोग हल्दी चंदन दोनों भी लगाते हैं हफ्ते में 1 दिन। एंड नाउ 6 बज गए हैं, इट्स आवर टी टाइम और शाम की चाय रोशन बनाता है। बट यहाँ से आगे का वीडियो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलिए, जल्दी ही पोस्ट करूँगी। आपको पार्ट 1 कैसे लगा, सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी कि नहीं, हमारा शेड्यूल कैसे लगा और क्या आप इसे फॉलो करने वाले हो, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, बाय बाय।